इसका सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ऑपरेशन ठाए ठाए। आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से गोलियों के तटाहट से हाहाकार मचा हुआ है। हम आपको बताएंगे कैसी लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, कहीं पुलिस बदमाशों को उनके बिलों से खोज खोज कर निकाल रही है तो कहीं बदमाश ठाए ठाए कर रहे हैं, तो कहीं बेखौफ हो चुके बदमाशों के दहशत से लोग परेशान हैं, क्योंकि लगातार हर तरीके से बदमाश लोगों को परेशान कर रहे हैं। किस तरह से किया जा रहा है ऑपरेशन ठाए ठाए, आज हम आपको बताएंगे। कई जिलों की कहानी आपको दिखा को उनके बिलों से खोज खोज कर निकाल रही है, तो दूसरी तरफ बदमाश है कि मानते नहीं। लखनऊ में यूपी एसटीएफ की टीम ने 1 लाख के बदमाश को, जिस पर इनाम था, ढेर कर दिया। दूसरी तरफ बेखौफ बदमाश ने एक व्यापारी को गोली मार दी। दो तरफा खबर सामने आ रही है, एक तरफ पुलिस बदमाशों को पीट रही है, उनका एनकाउंटर कर रही है, दूसरी तरफ बदमाश है कि मानते नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। गोलियों की तड़तड़ाहट, कहीं पुलिस की ठाए ठाए, कहीं बदमाशों की धाए धाए, एक गोली पर किसका लिखा है ना पता नहीं। अपराधी पस्त, पुलिस कर रही कस्त, ऑपरेशन ठाए ठाए। आज हम आपको गोलियों की तड़तड़ाहट की ऐसी कहानी बताएंगे कि आप दंग रह जाएंगे। कहीं पुलिस बदमाशों को उनके बिलों से खोज खोज कर निकाल रही है, और पुलिस की ठाए ठाए से बदमाशों में दहशत है, तो कहीं बेखौफ बदमाशों की वजह से आम जनता भी दहशत में है, क्योंकि बदमाशों के ठाए ठाए से इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही दो तस्वीर राजधानी लखनऊ की, एक तरफ पुलिस ने बदमाशों को ढेर कर दिया, तो दूसरी तरफ बेखौफ बदमाश की वजह से एक व्यापारी को गोली मार दी गई, जिससे लोग दहशत में हैं। हम आपको इन दोनों तस्वीरों के बारे में एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राजधानी लखनऊ की, जहां यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एसटीएफ की टीम ने 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों बदमाशों को मृत घोषित कर दिया गया। दोनों बदमाशों का नाम अली शेर और कामरान बताया जा रहा है। अली शेर पर बीजेपी नेता का हत्या करने का भी आरोप था। जी, आज करीब ये शाम को 8:30 बजे के तकरीबन ये बदमाशों के साथ एसटीएफ की टीम की मुठभेड़ हुई, जिस टीम को मैं खुद लीड कर रहा था, तो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। ये बदमाश जो है ये मड़गांव से, ये घैला रोड, जैसा कि हम लोग को इंटेल मिली थी पिन पॉइंट, कि पुराने लखनऊ की तरफ जा रहे हैं किसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के लिए, तो यहाँ पर उनको इंटरसेप्ट करके, कॉर्डन करके चेक करने की कोशिश की गई, उनको वार्न किया गया, बट उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और ताबड़तोड़ फायरिंग की। एक्सचेंज ऑफ फायर में एसटीएफ की तरफ से भी फायरिंग की गई, तो जब फायरिंग रुकी तो देखा गया कि वो घायल हो गए, तो उनको तुरंत ही सिविल हॉस्पिटल भेजा गया फॉर इंस्टेंट ट्रीटमेंट। अभी हॉस्पिटल से कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अभी तक जो पता चला है कि उसमें एक अली शेर है, जिसपे 1 लाख का इनाम है, और ये IS-191 गैंग, मुख्तार अंसारी का जो गैंग है, इसका शार्प शूटर है, प्रोफेशनल किलर है। जितनी हत्याएं इसने यहाँ की हैं, कई हत्याएं इसने अदर स्टेट्स में की हैं,
जिसकी अभी जानकारी की जा रही है, और साथ में इसका सहयोगी था बन्नूर कामरान, जो कि इसके साथ लगभग घटनाओं में साथ में रहता था, रैकी करने में गाड़ी ड्राइविंग का एक्सपर्ट था, ये बताते हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर दोनों का। अभी आजमगढ़ में 4-5 महीने पहले ही एक बसपा नेता की भी हत्या हुई थी, जिसमें ये अली शेर वांटेड था, और लेटेस्ट अभी 22 तारीख को, पिछली 22 में झारखंड के पालू थाना क्षेत्र में, जिला रांची में, इन्होंने बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता श्री जीतराम मुंडा जी, उनका भी मर्डर किया, वहां से ये फरार चल रहा। अपराधियों के पास से एक कार्बाइन, 30 mm, 2 पिस्टल, 1 अदद देसी तमंचा, मोटरसाइकिल और एक बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किया गया है। दोनों शार्प शूटर मुख्तार अंसारी गैंग से संबंधित भी बताए जा रहे हैं। ये शातिर बदमाश देश के कई राज्यों में घूम घूम कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया करते थे। इसी बदमाश ने हाल ही में झारखंड के रांची जिले के थाना पालू क्षेत्र के बीजेपी नेता की हत्या की थी, और आजमगढ़ में बसपा नेता की भी हत्या की थी। अली शेर के साथ उसका साथी कामरान उर्फ पन्नू भी मुठभेड़ में ढेर हो गया। खैर, ये तो यूपीएसटीएफ की बड़ी कामयाबी है। चलिए आप आपको इससे इतर राजधानी लखनऊ की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। राजधानी लखनऊ में बेखौफ बदमाशों का खौफ देखने को मिल रहा है, जहां एक व्यापारी को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है आलमबाग के चिक चिक रेस्टोरेंट कारोबारी जसविंदर सिंह रोमी को गोली मार दी गई। हमलावर गोली मारकर फौरन फरार हो गए। घायल व्यापारी को तुरंत ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। इंदर सिंह रोमी है, लगभग 45 इयर्स एज, चंदर नगर आलमबाग के रहने वाले। इनका एक यहाँ एक फूड कॉर्नर है, चिक चिक चिकन करके, और ये इनको किसी के द्वारा गोली मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। तुरंत उनको हॉस्पिटल में, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, वहाँ उनका इलाज चल रहा है, और उन्होंने किसी पर संदेह भी व्यक्त किया है। यहाँ पर जो आसपास सीसीटीवी कैमरा लगे हैं और जो दुकान के सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, वो भी हम लोग चेक करवा रहे हैं, और जल्दी इसमें उनसे तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाएगा, और जिन लोगों ने ये घटना पुकारित किया उनकी जल्दी गिरफ्तारी होगी। कितनी गोली लगी होगी ये भी वो डॉक्टर डिटेल में डॉक्टर बता पाएंगे, लेकिन दो अभी तक हम लोगों को अभी कितने हमलावर थे ऐसा कुछ प्रथम दृष्टया जांच में हमलावर ड्रग मिला आपको, कितने लोग थे मारने वाले, काहे से थे? एक तो अभी सीसीटीवी का हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज में कि कोई जो इस गाड़ी से आए थे, कितने लोग थे, वो सब चीजें क्लियर हो जाएगी। साथ ही वो लोग जिस पर शक जाहिर कर रहे हैं, वो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, कोई डिस्प्यूट है या सडन प्रोवोकेशन है, वो भी समझ में आएगा। घायल की क्या स्थिति है? घायल की स्थिति अभी डॉक्टर द्वारा स्टेबल बताया जा रहा है, खतरे से बाहर। गोली लगी है, जिनको गोली लगी है, वो तो डॉक्टर बताएंगे, लेकिन अभी बताया जा रहा है खतरे से बाहर है। इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ पुलिस बदमाशों का सफाया कर रही है, दूसरी तरफ बदमाश क्यों नहीं मान रहे हैं? इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से रवि कुमार की रिपोर्ट। अब हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप तंग रह जाएंगे। रंगबाजी और दिखावा के चक्कर में किस तरीके से युवक को गोली मार दी जाती है। पहले बाइक सवार युवक चलते रहते हैं, अचानक उनको पता नहीं क्या हो जाता है, युवक को रोकते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। इसी दरमियान युवक का दिमाग ठनक जाता है और वो एक सीधे साधे युवक को गोली मार देता है, और वो अब अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। देखिए इस पूरे ठाए ठाए में ये युवक कैसे परेशान है। ये कैसी दादागिरी, पहले थी अल्टीमेटम, फिर मार दी गोली, बेखौफ हो गए हैं अपराधी। अब हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं
जिसे देखकर आप तंग रह जाएंगे। रंगबाजी और दिखावा के चक्कर में कैसे एक युवक को गोली मार दी गई, हम आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताएंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर यूपी के अलीगढ़ जिले की है। दिन दहाड़े बदमाशों ने रंगबाजी दिखाते हुए पहले राह चल रहे युवक को अल्टीमेटम दिया, फिर उसके बाद उसके पेट में तमंचा सटाकर गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना कुआरसी क्षेत्र के ज्योति नगर चौराहे का है, जहां बाजार से अपने घर को जा रहे युवक को दो बाइक सवार युवकों ने पहले रोका, उसे अल्टीमेटम दिया। जब युवक ने कुछ बोलना चाहा, तो दबंग युवकों ने तमंचा निकालकर युवक के पेट में गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल युवक का इलाज चल रहा है। पीड़ित युवक के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि दो बाइक पर छह लोग बैठकर जा रहे थे। रास्ते में एक बाइक आगे निकल गई, दूसरी बाइक पर बैठे युवक ने ज्योति नगर चौराहे पर उसके पेट में गोली मार दी और फिर मौके से फरार हो गए। ज्योति नगर के चौराहे पे से निकल रहा था, तो छह जने थे दो बाइक पर, तीन तीन जने, ठीक है। तो वो मुझसे कहते हैं भाई ढंग से चला, मैंने कह दी बाइक ढंग से चला रहा हूँ भाई। तो तीन जने आगे आ जाते मेरे, तीन जने आते हैं, फिर पीछे से तीसरा आदमी लेके कट्टा दिखाता, मुझे डराता, तो मैं अपनी गाड़ी रोक के खड़ा हो जाता हूँ। गाड़ी में क्या कह रहा है, तो उतनी देर बाद निकाल के कट्टे से ना मार देता है मेरे, तो मैं ये देखता हूँ और मैंने गोली मार दी, लगी तो है ना, और फिर ये मालूम पड़ता है तो ये लाल लाल सी जो छीटा सी हो जाती है। फिर वो मैं उसे पकड़ने जाता हूँ तो ये आ जाता है उसके हाथ में, जब पकड़ता हूँ तो वो भाग जा, वो दूसरी मारने की कोशिश करता, फिर मैं गाड़ी, ये उसी का है, हाँ ये उसी का है, उसे पकड़ लिया था मैंने और दूसरा मार रहा था वो, फिर मैंने छोड़ दिया वो। कोई कैसी दुश्मनी है कुछ, आप कौन है इनके? दिन दहाड़े हुई वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिर बदमाश इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? खैर, अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है, नहीं तो प्रदेश में ऐसे ही होता रहेगा। इंडिया न्यूज के लिए अलीगढ़ से महेश की रिपोर्ट। एक तरफ बदमाशों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही, दूसरी तरफ अपराधी हैं कि मानते नहीं, अपराधी बेखौफ हो गए हैं। हम आपको कई तस्वीरें दिखाएंगे, तीन जिले की तस्वीर दिखाएंगे, वाराणसी, एटा और ग्रेटर नोएडा की, किस तरीके से यहां बदमाश बेखौफ हो गए हैं। इन्हें न शासन का डर है और न ही प्रशासन का डर है, सिर्फ ये गोलियों की ठाए ठाए ही समझते हैं। एक तरफ बदमाशों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ अपराधी है कि मानते ही नहीं। आपकी टीवी स्क्रीन पर तीन तस्वीरें दिखाई दे रही है, वाराणसी, एटा और ग्रेटर नोएडा की। अब इन तीनों तस्वीरों के बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे और दिखाएंगे कैसे बदमाश बेखौफ हो गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी की तस्वीर की। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के गोसाईपुर चौकी अंतर्गत पलहट्टी चौराहे के पास एक बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने एक छात्र नेता को गोली मार दी। संयोगवश छात्र नेता के बाएं पैर को गोली छूते हुए निकल गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी कुलदीप मिश्रा समेत चोलापुर थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह घटना स्थल पर पहुंचे और घायल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोलापुर पहुंचाने के साथ क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दी। वाराणसी के बाद बात करते हैं एटा के तस्वीरों की, जहां अज्ञात हमलावरों ने एक महिला को गोली मार दी। गोली मारकर हमलावर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया, उस वक्त पति पत्नी अपने मकान की पुताई कर रहे थे। महिला को गोली लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कर तफ्तीश शुरू कर दी। गोली मार दी। किन लोगों ने गोली मारी है? अच्छा, क्या कर, क्या मतलब कहाँ थी, कहाँ के रहने वाले हो आप? और ये गोली कहाँ मारी है? मिर्ची कस्बा में। थाना कौन सा पड़ता है आपका? मरेची। तो कोई लोग हैं जिनको पहचान पाए आप, किन लोगों ने मारी है? तो कोई रंजिश थी पुरानी क्या? अभी तो नहीं थी, रंजिश तो नहीं थी।
चलिए आपको तीसरी तस्वीर यानी ग्रेटर नोएडा की दिखाते हैं। ग्रेटर नोएडा में बीजेपी नेता के घर पर घुसकर दबंगों ने फायरिंग की। बीजेपी युवा मोर्चा के धनकौर मंडल उपाध्यक्ष संदीप के घर में घुसकर की गई फायरिंग की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिर अपराधियों में पुलिस प्रशासन का डर भय कैसे खत्म हो गया है? क्यों अपराधियों पर पूरी तरीके से लगाम नहीं लग पा रहा है? खैर, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि इन तस्वीरों को देखने के बाद पुलिस आगे की क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए वाराणसी से पंकज चतुर्वेदी, एटा से रविकांत शर्मा और ग्रेटर नोएडा से रजत कुमार की रिपोर्ट। अब आप सोच रहे हो कि ऑपरेशन ठाए ठाए, ऑपरेशन तो पुलिस करती है लेकिन यहाँ ऑपरेशन उल्टे तरीके से हो गया है। यहाँ ऑपरेशन बदमाश करने लगे हैं। अब इन बदमाशों पर लगाम लगाने की बेहद जरूरी है, तभी जाके ऑपरेशन ठाए ठाए पुलिस के लिए सही मायने में सही होगी, नहीं तो बदमाश यूं ही ठाए ठाए करते रहेंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।